हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल के बारे में, राइट। जो हमने परमानेंट इफेक्ट, डेट इज इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, जो आपको बताया है, उस तीनों को कंबाइन करके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगेन, सबसे पहले रफ़ी सर का ट्रिक्स, और जो ट्रिक्स मैं देता हूँ वो कंसेप्ट के साथ देता हूँ, राइट। हवा में बातें नहीं होती है, पहले कंसेप्ट के साथ उसको हम कैसे डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करेंगे एंड कैसे उसका ट्रिक्स बनाएंगे जिससे हमें केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी लगे। तो लेट्स सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल, इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रिक्स का पॉइंट बहुत सिंपल है और जो कंसेप्ट है या फंडा है वो भी बहुत सिंपल है। यू नो ऑलरेडी कि देखो, अगर कोई रिच पर्सन है तो उसके पास कौन आएंगे, पुअर पर्सन आएंगे, राइट। रिच के पास तो रिच तो जाएगा नहीं, राइट। और सिमिलरली अगर कोई पुअर पर्सन है तो उसके पास कौन जाएगा, रिच पर्सन जाएगा। सिंपल, मतलब आपको रिच पता चल गया तो पुअर उसको स्टेबलाइज करेंगे और पुअर पता चल गया तो रिच उसको स्टेबलाइज करेंगे। सिंपल अमीर गरीब का खेल है पूरा, आपका मेसोमेरिक, इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन। मेरे ट्रिक से बस आपको ऐसे ही करना है। नाउ, तो मेरे कहने का क्या मतलब है वो भी समझ लें कि जहाँ पे भी आपको कार्बोकैटायन दिख जाए, फ्री रेडिकल दिख जाए, या बेसिक का ऑर्डर पूछे या केबी का ऑर्डर, ये सब को आपको मानना है कि ये सब क्या है, पुअर पर्सन है। क्यों? कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन की कमी, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन की कमी है, बी फॉर बेस, बी फॉर बेगर, तो ये सब क्या है आपके पास, पुअर पर्सन है। तो ऑब्वियस बात है ये किसके पास जाएंगे, अमीर पर्सन के पास। अमीर कौन होते हैं, जो डोनर होते हैं। डोनर कौन है अपने पास, जो प्लस एम शो करते हैं, राइट। प्लस एम कौन शो करेगा, बेंजीन रिंग से कोई भी ग्रुप अटैच है उस पर लोन पेयर होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट पे जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, राइट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो शो करेंगे और हाइपर कंजुगेशन जो शो करेंगे, ये सब क्या है, डोनर है या रिच है। तो ऑब्वियस बात है ये सब क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे। इसलिए सबसे पहले प्लस एम आएगा, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर प्लस आई। याद कैसे रखेंगे, तो बताया था एम एच आई इस ऑर्डर में, महाराष्ट्र इंडिया में पहले मेसोमेरिक चेक करेंगे, अगर मेसोमेरिक सेम हो जाता है या नहीं लग रहा है तो फिर हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे, वो भी नहीं लग रहा है तो फिर इंडक्टिव लगाएंगे, राइट। अब ये जो है एन, मतलब कोई ग्रुप नहीं लगा है मोहमाया से दूर वाले, तो ये आ जाएंगे। और माइनस आई या माइनस एम, ये खुद क्या हो गए, माइनस आई या माइनस एम खुद क्या है, ध्यान से देखो, तो ये खुद पोअर है या एक्सेप्टर है। तो ऑब्वियस बात है ये खुद पोअर और ये पोअर, पोअर पोअर के पास जाएगा तो कोई काम नहीं बनेगा, राइट। तो इसीलिए ये सब क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे, इसलिए हमने इसको पीछे लिखा है, राइट। और चूंकि ये स्ट्रांग इफेक्ट है तो ये सबसे पीछे आएंगे, और इंडक्टिव वीक इफेक्ट है तो इसलिए ये पहले आ गया, राइट। सिमिलरली कहीं पर अगर आपको कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पूछे, एसिडिक का ऑर्डर पूछे, के ए का ऑर्डर पूछे, तो ये सब को मैं क्या मान रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट। कार्बेनाइन एसिडिक, ए फॉर एसिड, ए फॉर अमीर, तो ये सब को मैं रिच पर्सन मान रहा हूँ। तो अभी से बात है इसके पास कौन आएगा, पुअर पर्सन आएगा। पुअर पर्सन कौन थे हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस एम या माइनस आई वाले, जो पुअर एक्सेप्टर है, तो इसलिए हमने इसको पहले आगे किया। उनमें भी जो स्ट्रांग होंगे वो पहले आएंगे, राइट, तो इसलिए इनको आगे किया। फिर न्यूट्रल, मतलब एन, मतलब फिर से कोई ग्रुप नहीं है मोमाया से दूर वाले। फिर अब जो ये सब ग्रुप जो हैं, ये सब तो क्या करेंगे, एक तरह से डीस्टेबलाइज करेंगे, राइट, अपोज करेंगे, लेकिन अपोज करने में इसका वीक अपोज होगा क्योंकि इफेक्ट वीक है। फिर उससे ज़्यादा अपोज हाइपर कंजुगेशन करेगा, और सबसे ज़्यादा अपोज कौन करेंगे, प्लस एम वाले, राइट। तो ये आपको ट्रिक का एक सिंपल सा पॉइंट हो गया कि अमीर गरीब और गरीब अमीर, बस जीओसी में यही करना है, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो देखिए, एप्लीकेशन में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन अभी लिया है, राइट, और इसको कैसे करना है तो वेरी सिंपल है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि इन 4 में मोस स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे है और यहाँ पे, इन चारों कार्बोकैटायन में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा, राइट, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक रेजोनेंस होगा। बस NH2 का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर सिंगल सिंगल हो चुका है, तो इसलिए हमने वो ट्रिक दिया था आपको। तो यहाँ पे NH2 का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगेन रेजोनेंस होगा, डेट्स इट। उसके बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि लोन पेयर सिंगल सिंगल हो गया, तो यहाँ पे भी NH2 का माइनस आई इफेक्ट है और रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे नहीं है या मिजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये यहाँ से लेकर करके यहाँ तक जाएगा, क्यों? पॉजिटिव सिंगल डबल से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल से यहाँ पे आएगा, फिर पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर से यहाँ तक। डैट मीन्स NH2 का यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, राइट। और ध्यान दें ये बेंजीन रिंग नहीं है, जस्ट रेजोनेंस के थ्रू आपको देखना है कि ये कर पा रहा है कि नहीं। और सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्टेबलाइज होगा, अगेन NH2 का लोन पेयर नहीं आ पाएगा रेजोनेंस में। डैट मीन्स ऐसे तो रेजोनेंस में है लोन पेयर सिंगल डबल से, बट ये पॉजिटिव चार्ज नहीं जा पाएगा, पॉजिटिव सिंगल सिंगल है, राइट। तो इसका भी आपका कौन सा इफेक्ट रहेगा? माइनस आई इफेक्ट रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? दिस वन, ऑप्शन सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू में अगेन पूछा जा रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। तो जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो आपको चेक करना है, आपको शिफ्ट करा के नहीं देखना, ये ऑलरेडी इस कंडीशन में बना के दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर तो है लेकिन लोन पेयर सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर ए मानूं, इसको बी मानता हूं, इसको सी, तो एक बात तो क्लियर है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ए होगा, क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस है। अब बी सी में कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, जबकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा ऑक्सीजन का? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा हो रहा है? प्लस एम इफेक्ट, राइट। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा वो, तो माइनस आई की वजह से क्या होगा? डीस्टेबलाइज होंगे। यहाँ पे एटलीस्ट कोई ऐसा इफेक्ट नहीं माइनस आई, और क्या हो रहा है? तो ये दोनों साइड से दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, चार अल्फा हेच होने की वजह से हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे, राइट, एच सी। तो इसलिए स्टेबिलिटी में फिर सी आगे आएगा और बी पीछे चला जाएगा क्योंकि उसमें माइनस आई है। तो वही ऑर्डर हो गया, प्लस एम, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर माइनस आई। तो इसलिए मैंने वो ट्रिक दिया आपको कि आप सब ग्रुप का इफेक्ट आपको पहचानना, वो भी ट्रिक दे रखा हूँ, आप करिए और डायरेक्ट आप आंसर पाइए। नेक्स्ट में ध्यान से देखो, इन सब में कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। अगेन इसको मैं मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी, इसको सी एंड डी, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस में जा रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव डबल हो गया, तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव है, राइट, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? आपको क्लियर हो चुका है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए, क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। उसके बाद होगा सी, क्यों? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिख दे रहा हूँ, आर फॉर रेजोनेंस, एच सी फॉर हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ट्रिपल, यू नो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव स्टेबल होते हैं, यू नो ये एसपी कार्बन है, तो एसपी पे पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, और ये एसपी टू है तो थोड़ा स्टेबल होगा, राइट। तो इसलिए ऑर्डर में आपका कौन आ जाएगा? बी, और लास्ट में कौन आ जाएगा आपका? डी। तो ये जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी आपसे पूछ लिया, राइट। तो कार्बेनायन की स्टेबिलिटी, तो ध्यान से देखो, इतना चीज सब में क्या है? कॉमन, आपको देखते ही पता लग जाएगा, इतना चीज सब में कॉमन है, सब में रेजोनेंस हो रहा है। सिर्फ हमें क्या देखना पड़ेगा? ग्रुप का इफेक्ट। NO2 का कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। कैसे? इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा? N डबल बॉन्ड O आ जाएगा, राइट। तो जब भी बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अटैच हो और पाई बॉन्ड बना हो और Y की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक से ज़्यादा, तो माइनस एम। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। यहाँ पे कुछ नहीं है हाइड्रोजन, तो न्यूट्रल वाला। तो आपको क्या ऑर्डर बताया था? किसकी स्टेबिलिटी? कार्बेनायन। कार्बेनायन मतलब रिच, तो सबसे पहले कौन सा? पोअर। पोअर कौन है? माइनस एम। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर इसको मैं वन मानता हूँ, इसको टू मानता हूँ, इसको थ्री मानता हूँ, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा आपका? वन, क्योंकि माइनस एम है, फिर थ्री मोमाया से दुर्बल है, और लास्ट में क्या आ जाएंगे? टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन इस टाइप से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये चार कंपाउंड आपको गिवेन है, किसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो होगा लेंथ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, राइट, शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। तो यू नो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में समझ में नहीं आते। लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, राइट,
यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, ध्यान से देखो, लोन पेयर सिंगल डबल और रेजोनेंस होने के बाद फिर ये NO2 का माइनस M, ये रेजोनेंस और फर्दर आगे शिफ्ट हो जाएगा, कैसे, तो इसको ओपन करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आगे यहाँ तक शिफ्ट होकर के आएगा, तो डैट मीन्स NO2 क्लोरीन के लोन पेयर को खींचने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में भी रेजोनेंस होगा लेकिन सी एस थ्री का कौन सा इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, तो ये बैक करेगा, देने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा लोन पेयर को आने नहीं देगा। सिमिलरली ये तो प्लस एम इफेक्ट वाले हो गए, ये और बैक करेंगे, आने नहीं देंगे। तो यहाँ पे तो हमसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किस में होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो टू में होगा, इसलिए शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होंगी, राइट। तो अगर शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है तो वो टू है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि ऑर्डर ही बताओ मेरे को, तो ऑर्डर आप कैसे बताते, बॉन्ड लेंथ और शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट सबसे किस में आ गया, टू में, राइट। उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, ध्यान रहे, उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होता आपका, तो डेफिनेटली वन में, और उससे ज़्यादा फिर थ्री में, और सबसे ज़्यादा किस में हो जाता, फोर में। क्यों, क्योंकि फोर में तो क्लोरीन के लोन पेयर को आने ही नहीं देगा, ये प्लस एम ग्रुप है, यही इधर की तरफ रेजोनेंस कराएंगे, राइट। और इसमें ये हाइपर कंजुगेशन से बैक मारेगा, इसमें कम से कम कोई ग्रुप नहीं है, तो न्यूट्रल वाले मोमाया से दूर वाले, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाता आपसे तो ये वाला हो जाता। तो इस टाइप के भी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम हम लेते हैं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें पूछा जा रहा है कि बॉन्ड लेंथ कार्बन और OH बॉन्ड, तो ध्यान से देखो कार्बन और OH बॉन्ड यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कार्बन और OH का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, राइट, बट यहाँ पे क्या होंगे, रेजोनेंस हो जाएगा लोन पर सिंगल डोर से, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस तो होगा बट ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से इसको ये आने नहीं देगा बेंजीन रिंग में, राइट। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे होंगे, राइट, क्योंकि रेजोनेंस पूरा फुल्ली हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम, तो इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, तो यू नो जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर वन में होगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपका वन का हो जाएगा, उसके बाद टू थ्री में अगर करना हो तो दोनों में रेजोनेंस है बट ये इसको डिस्टेबलाइज एक तरीके से करेगा, डेट मीन्स ये लोन पेयर देंगे तो फिर ये नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो फिर थ्री होगा और लास्ट में आपका टू होगा। बॉन्ड लेंथ कार्बन OH का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा वन में होगा, फिर थ्री में होगा, फिर लास्ट में टू में होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा जा रहा है आपसे कि इन सब की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, ध्यान रहे कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्बन आयन ऑक्सीजन पे माइनस है सब में, राइट, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे नेगेटिव सिंगल सिंगल, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस भी हो रहा है, राइट, और नेगेटिव सिंगल सिंगल इधर कुछ नहीं आ पाएगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, और प्लस रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस और फिर नेगेटिव सिंगल डबल से फिर से रेजोनेंस, तो यहाँ पे पूरा रेजोनेंस, इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम। तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव मतलब अमीर लोग, राइट, अमीर लोग मतलब उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, माइनस एम वाला, तो सबसे ज़्यादा थ्री स्टेबल होंगे, फिर टू डेट इज बी एंड देन फिर वन, राइट। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं, मैं डिफरेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ कि विच विल गिव प्रिसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन, तो वही दे सकता है जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए, राइट, क्योंकि Ag क्या करेगा, आपके क्लोराइड को खींच लेंगे, यहाँ से क्लोरीन है, यहाँ से क्लोरीन है, यहाँ से कोई एक क्लोरीन जाएगा और यहाँ से कोई एक क्लोरीन, तो खींच करके AgCl बनेगा और प्रिसिपिटेट बन जाएगा, तो कौन दे सकता है इजीली, तो जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो पहले वाले में क्या होगा एक्चुअली इसको समझना है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, तो ये Cl जल्दी नहीं जाएगा क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल से क्या होगा, रेजोनेंस, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को नहीं ब्रेक करना, आपको दो दो बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसीलिए ये जल्दी आपका प्रिसिपिटेट नहीं देगा। दूसरा वाला जो है वो बहुत इजीली दे सकता है क्योंकि कार्बन पे क्लोरीन इधर लगे हुए हैं और तीन CH3 है, कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम आए तो पहले आप ओपन करके लिखो, तो ये Cl जाते ही, Cl को जैसे आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, वो भी 3 डिग्री,
9 अल्फा एच है, हाइपर कंजुगेशन भी एक कंसेप्ट बता रखा हूँ, तो ये स्टेबल होगा, तो ये जाने के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे CCl4 है राइट, चारों क्लोरीन आपका, तो यहाँ पे क्लोरीन गया भी तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, इसकी वजह से ये कार्बोकटायन क्या होगा, खुद कार्बोकटायन भी खा रही है और ऊपर से Cl और खींचने वाले, तो कहाँ से देगा वो, तो अनस्टेबल होगा, इसलिए ये भी आपका प्रिसिपिटेट जल्दी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, दो दे सकता है। और CaCl3 में भी वही चीज़ें राइट, एक क्लोरीन जाने के बाद अभी भी दो क्लोरीन का माइनस आई है, तो ये भी जल्दी नहीं देगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2। नेक्स्ट में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है राइट, सिर्फ इसके पास कितने, एक ही अल्फा हैच है। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है इसके पास 3, 2, 5 और 2, 7 अल्फा हैच है राइट, और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है इसके पास 3, 2, 5 और ये रेजोनेंस है मेनली, तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का पूछा जा रहा है राइट, तो ध्यान से देखो यहाँ कार्बन पे माइनस है, 3 क्लोरीन का 3 माइनस है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, निगेटिव सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे कार्बन पे माइनस है और दो आपके मिथाइल ग्रुप है, क्या होगा, 2 प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे 3 मिथाइल है तो 3 प्लस आई राइट, ऑल एल्काइल ग्रुप सोच प्लस आई इफेक्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कार्बेनाइन मतलब रिच पर्सन था, तो वो कैसे लोगों को सर्च करेगा, निगेटिव माइनस आई या माइनस एम वाले को, माइनस आई वाला ये है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 1, उसके बाद ये भी है लेकिन उतना ज़्यादा माइनस आई नहीं है राइट, तो उसके बाद हो जाएंगे 2। यहाँ पे 2 ही प्लस आई हैं, 2 ही लोग अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग अपोज कर रहा है, तो इसलिए 3 और 4 स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। तो ये जस्ट मैंने डिफरेंट कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम लेकर के एक हमने कोशिश की है कि आपको कैसे हमारे ट्रिक्स को अप्लाई करना है, और आप जितने भी PYQs हैं या जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं आप हमारे कंसेप्ट से इजीली कर सकते हैं। जाते जाते एक छोटे से ज्ञान की बात कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि किस केस में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, तो अगेन वहाँ पर भी रेजोनेंस का कंसेप्ट लगाना आपको, जैसे CO3 2 माइनस, तो इसको ड्रॉ कर लो आप, तो ये हो गया CO3 2 माइनस, H2CO3 का एनायनिक पार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे देख ध्यान से देखो तो नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होगा राइट, तो कोई अगर ऐसे बनाया है तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है, वो इस टाइप से, इधर ओपे माइनस, इधर ओपे माइनस, इधर डबल बॉन्ड, और एक और बनाया जा सकता है राइट इस टाइप से। आप ध्यान से देखो इन दोनों ओपे माइनस के हमने इन दोनों पे, और मैं इन दोनों पे कर सकता हूँ, तो ये ओपे माइनस ही, तो इनका ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा आपको मालूम है राइट, कैसा बना देंगे, ओ ओ ओ, और सब जगह यहाँ पे भी पाई बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पे भी दिखाना है, यहाँ पे भी दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में तो इधर भी दिखाना है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और टोटल माइनस 2 चार्ज है, 3 ऑक्सीजन है, तो -2/3 सब पे चार्ज चले जाएंगे। तो इससे क्या हो गया कि आपको इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड लेंथ और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ड्यू टू रेजोनेंस ऑल CO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन विच केस ऑल CO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो इसमें सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे। वैसे ही MnO4-, इसको आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा MnO4-, तो इसमें भी एक प्रॉपर रेजोनेंस होगा सभी में, तो इसमें सारे Mn और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या इक्वल हैं, तो ये भी उस ऑप्शन में हो जाएंगे। ClO4-, सिमिलरली क्लोरीन 4 ऑक्सीजन है राइट, बिल्कुल सिमिलर टू ऐसा ही है, तो यहाँ पे भी सब में रेजोनेंस होंगे राइट, ड्यू टू रेजोनेंस ऑल क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो इसमें भी सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे। और बेंजीन, तो यू नो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ जाए तो आपको डायरेक्ट आपके माइंड में क्या आना चाहिए, रेजोनेंस आना चाहिए।